ये हॉरर स्टोरी है मेरे एक सब्सक्राइबर गजेंद्र सैनी की। तो ये भाई साहब बचपन में अपना वेकेशन मनाने के लिए फुल फैमिली के साथ जा रहे थे नानी जी के घर। इनकी कार अचानक से एक रोड पे बंद हो गई। इसके पापा को थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो उन्होंने थोड़ा बहुत तार पे सही करके सही कर दी गाड़ी। अब वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे सामने से उसके नाना जी खुद साइकिल पे आए। उन्होंने इनको आके बोला, अरे बेटा आ गया तू। तो थोड़ी बहुत बातें चीतें हुई और गजेंद्र भाई के सामने देख के उन्होंने बड़ी एक क्रीप सी स्माइल दी। उनकी आवाज एकदम अलग लग रही थी, जैसे बैठ सी गई हो। उन्होंने गजेंद्र के कान में जाके बोला कि पीछे मत देखना, बचपन में तो बुढ़ में रहती है। चलो इसने मुड़ के पीछे देखा, पीछे एक लेडी ब्लैक साड़ी में भागती हुई इनकी ओर आ रही है। भाई साहब की तस्वीर फटी है, चिल्लाया पापा पापा मम्मी ये देखो देखो ये भागती आ रही है। और उसके मम्मी पापा को कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ इसी को दिख रहा था। उस औरत का चेहरा ना पूरा एकदम जला हुआ था, जैसे किसी ने एसिड फेंक दिया। फिर बच्चे के डरने पे उसके पापा ने गाड़ी चला दी। नाना जी को बोला चलो आप घर पे आओ। और वो जैसे ही घर पे पहुंचे उसके नाना जी ऑलरेडी वहां मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया, बताया क्या क्या हुआ, तो पता चला कि उस रास्ते पे छलावा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ छलावा ना हो तो सीएम इज़ ऑन के चैनल को सब्सक्राइब कर दो।